वहीं सुपेला थाना पुलिस ने चोरी के एक आरोपी और दो अन्य अपचारी को चोरी के मोबाइल एवं चांदी के कंगन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही की जा रही। संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम के लिए सुपेला थाना पुलिस द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान दुर्गापारा सुपेला निवासी प्रार्थिया ने अपने घर में ताला तोड़कर चोरी होने एवं जेवरातों के साथ मोबाइल के गायब होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा के नेतृत्व में सुपेला थाना पुलिस द्वारा आरोपियों की पतासाजी शुरू की गई एवं चोरी का माल खपाने की सूचना पर संदेही राहुल यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसने अपने दो अपचारी साथियों के साथ चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी गए सामानों को बरामद कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी में सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक रजनीकांत दीवान, राजेश सिंह, प्रधान आरक्षक संतोष शर्मा, आरक्षक रवि साव, सुरेंद्र पटेल, विशाल सिंह की उल्लेखनीय भूमिका रही। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।